वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही राज्य में गुंडों और बदमाशों की आफत आई हुई है। खौफ इतना है कि जो हिस्ट्री शीटर अभी तक अपने घरों में भी नहीं मिलते थे, अब वे थाने में पहुंचकर सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर के चिलकाना थाने में हुआ, जिन हिस्ट्री शीटर की तलाश में चिलकाना थाना पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और इधर उधर खोज रही थी, वो अचानक खुद ही थाने पहुंच गए और लाइन लगाकर अपनी हाजिरी दर्ज कराने लगे। जहां अपराधियों ने फिर से अपराध न करने की कसम खाई, वहीं थाना इंचार्ज भी इन्हें कानून का पाठ पढ़ाते नजर आए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह माफियाओं और अपराधियों के ठिकानों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, उससे बदमाशों का डर और भी बढ़ गया है। इसलिए अभी अपराधी खुद ही सरेंडर करते दिख रहे हैं। हिस्ट्री शीटर को डर भी है कि कहीं घर पर ना बुलडोजर चल जाए। थाने में हाजिरी भरने आने वाले हिस्ट्री शीटरों की उम्र 60 साल के पार है, सभी पुराने अपराधी हैं। पुलिस के अनुसार जब इनके घर पर दबिश दी तो ये सब हाजिरी देने पहुंचे। होली और शब-ए-बारात त्योहार एक ही दिन होने के कारण पुलिस के लाइन लगवाकर सभी हिस्ट्री शीटरों की हाजिरी लगवाई और साथ ही ये भी बता दिया कि समय समय पर आकर हाजिरी भरते रहें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले यूपी के गोंडा में ही हाथ में तख्ती लेकर 25,000 का एक इनामी बदमाश अचानक थाने में पहुंच गया। उसने पुलिस से गुहार लगाई कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, मुझे प्लीज गोली मत मारो और गिरफ्तार कर लो। आपको बता दें, 8 मार्च को जिले के छापिया थाना क्षेत्र के करणपुर में एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था और 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। हालांकि पुलिस ने आनन फानन में व्यापारी को रेस्क्यू कर लिया और अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।